हेलो फ्रेंड्स, भावनाज डायरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बनाना स्टेम सैलेड, जो बहुत ही टेस्टी और साथ ही सुपर हेल्दी होता है। आप सभी को जैसे पता है, केले का जो तना होता है फुल ऑफ फाइबर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये रेसिपी मैंने कर्नाटका के एक गांव हनूर में देखी, जहाँ ये स्ट्रीट फूड के रूप में मिल रहा था, और मैंने उसे घर पे आकर ट्राई किया तो मुझे और मेरे फैमिली को ये इतनी पसंद आई, तो मुझे लगा कि ये रेसिपी मुझे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये बनाना स्टेम आपको काटना बता रही हूँ। आप इसे कैसे काटेंगे? सबसे पहले इसका जो आउटर लेयर है, जितने भी इसके जो ऊपर के जो रिंग दिख रहे थे, वो सभी को हम निकाल देंगे। इसका 3 से 4 लेयर निकल जाता है बहुत ही आराम से, और हमें इसका सिर्फ इनर कोर लेना है। ये मैंने ऑलमोस्ट इसके सारे लेयर्स निकाल दिए हैं, और ये इसका इनर कोर है। ये मैं यहाँ पे सिर्फ हाफ स्टेम यूज़ कर रही हूँ। तो इसे हमने अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद इसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे, और काट के हम इसे पानी में रखेंगे, या तो फिर डायरेक्टली हम अपने सैलेड में इसको यूज़ करेंगे। अगर आप इसे कट करके थोड़ी देर रखना चाहते हैं तो इसे काट कर आप पानी में डाल दें, ताकि ये काला ना पड़े। इसे क्यूब्स में काट लिया है मैंने। ये ऑलमोस्ट 1 कप के लगभग निकला है, ये आधा बनाना स्टेम। इसके आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 कप के लगभग ये बनाना स्टेम लिया है। उसके साथ में ले रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, 1 लेमन जूस, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, काला नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया, और यहाँ मैं ले रही हूँ मूंगफली या पीनट्स, रोस्टेड पीनट है ये, जिसे मैंने छिलका निकाल लिया है आधा कप। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टमाटर, जिसे फाइनली चॉप कर दिया है। साथ ही यहाँ पे है 2 कैरेट, जिसे हमने थोड़े मोटे वाले स्लाइसर में ग्रेट कर दिया है। उसके साथ यहाँ पे ले रही हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज, और आधा कप पाइनएप्पल, जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, और साथ में है 1 खीरा या कुकुम्बर, उसे भी हमने क्यूब्स में काट लिया है। अब यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है हमने, इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ सब मिक्स कर देंगे। साथ ही ये बनाना स्टेम, और ये हरी मिर्च, इन सभी को हम मिक्स करेंगे। यहाँ इसमें जो हमने पाइनएप्पल डाला है, जिसकी वजह से एक अच्छा सा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास पाइनएप्पल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या कोई भी वेजिटेबल जो आपको ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, तो अपने स्वाद अनुसार आप घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना कलरफुल और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब हम इसमें स्वाद के हिसाब से अपना नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ काला नमक यूज़ किया है, तो जो इसे और भी टेस्टी और भी हेल्दी बनाएगा। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, लाल मिर्च, हरा धनिया, और साथ ही एक नटी और क्रंची फ्लेवर के लिए हमारा भुना हुआ मूंगफली। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सलाद आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। देखने में हो सकता है आपको पहली बार में लगे कि यार ये कच्चा बनाना स्टेम कैसा लगेगा, लेकिन बिलीव मी, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये सलाद अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऐसे ही बिल्कुल खा सकते हैं, शाम के नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में, या कभी भी एज ए स्टार्टर आप इसे खा सकते हैं, या इसे चाट के जैसा बनाकर ऊपर से अगर आप थोड़ा सा इसमें कोई नमकीन ऐड कर दें, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा ये चाट का फ्लेवर देता है, और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।